रैपिडो की शुरुआत की थी अरविंद सांका, पवन गुंतुपल्ली और ऋषिकेश ने 2015 में, और ये इंडिया की फर्स्ट बाइक रेंटल सर्विस थी। इनके कुछ टाइम बाद ओला और उबर भी इस मार्केट में आ गए। इनिशियली इनका ऐप एक कैब बुकिंग जैसा ही था, लेकिन लोगों को उसमें राइडर्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस टाइम इनके पास ज्यादा राइडर्स नहीं थे और लोगों को वेट करना पड़ता था। साथ ही ये फंडिंग की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। फंडिंग के लिए इन्हें साथ मिला हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ पवन मुंजल का। इसके बाद इन्होंने अपने आप को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सपेंड करना शुरू किया और अपने साथ फीमेल राइडर्स को भी जोड़ा। अपने आप को इंप्रूव करते हुए इन्होंने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड किया और राइडर्स के साथ साथ कस्टमर कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा। एक राइड पर रैपिडो एवरेज 50 से 60 रुपए रिसीव करता है, जिसका 20% खुद रखता है और बाकी शेयर राइडर का होता है। कस्टमर फीडबैक के थ्रू जब इन्हें सिक्योरिटी और रिस्क का कंसर्न नजर आया, तो इन्होंने अपनी सर्विस में इंश्योरेंस का फीचर भी ऐड किया। बाइक राइड के अलावा रैपिडो बाइक और ऑटो रेंट पर भी देता है और लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आज 300 मिलियन रेवेन्यू के साथ रैपिडो 100 सिटीज में सर्विस दे रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर 25 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 1.5 मिलियन से ज्यादा राइडर्स हैं।